हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी चटकारी, एकदम तीखी और झटपट से बनने वाली कुछ चाट की रेसिपीज़। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ये आटे के पापड़ तैयार किए हैं, जिनकी रेसिपी ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं कि आलू भी आटे के पापड़ हैं, तो इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। इसे आप बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं, नया आटा लगा के भी बना सकते हैं। तो उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए, इन्हीं पापड़ से आज हम कुछ तरीके की चाट बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इस तरीके से पापड़ को क्रश करके डाला है, और बस आपको जितने भी पापड़ों की चाट तैयार करनी है आप उतने पापड़ डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने मतलब अपने लिए तीन या चार पापड़ लिए हैं, तो बस मैं इसको इस तरीके से क्रश करके अपनी प्लेट में डाल लूँगी। और बस और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, आपके पास ही घर में सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो बस इनको आप बनाकर स्टोर कर लीजिए। चाय के साथ जब चाहे तब चाय के साथ वैसे भी खा सकते हैं, और इस तरीके से चाट भी बनाकर खा सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने थोड़े से, मेरे पास बॉयल पोटैटो थे तो मैंने बॉयल पोटैटो डाल दिए हैं, और बस इसके ऊपर थोड़ा सा डाला है मैंने चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डालूंगी नमक बस। और आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना। और देखिए, मेरे यहाँ पर मीठी चटनी है, ये आमचूर की, वो गुड़ की चटनी है, गुड़ और आमचूर की। आप चटनी कोई सी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास चटनी नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं, तब भी यम्मी टेस्टी आने वाला है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने चटनी डाल दी है, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी चटनी। ये हरी धनिया की चटनी है, धनिया मिर्च टमाटर डाल के पीस लिया है, और सिंपल सी चटनी है। और बस इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़कूंगी मैं चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। बस इस तरीके से हमारे बस ये चाट बनकर तैयार है। बस थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डालेंगे, और थोड़ी सी मीठी चटनी मैंने और ऊपर से डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ते डालकर देखिए, मैंने अपनी चाट को फटाफट से बना दिया है। तो इस तरीके से पापड़ से आप एक ये चाट बना सकते हैं, और दूसरी चाट मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, अब बनाते हैं हम अपनी दूसरी, फटाफट से दूसरी वाली चाट। और इस चाट में देखिए, फिर से मैंने अगेन पापड़ लिए हैं, और इस पापड़ में आपको थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े डालने हैं, तो ज़्यादा बारीक से नहीं, तोड़ के डालना है। और इस चाट के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एक सब्ज़ी, जो कि सब्ज़ी मैंने बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है, बस इसी तरीके से थोड़े से जो मसालेदानी में मसाले होते हैं उनको भूना, और उसमें थोड़े से आलू डाल के पानी डाल के खौला लिया है। बस दो तीन बॉयल आए हैं, तो मैंने फिर उसको तीन चार मिनट तक और पकाया, और ये इस तरीके की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना होता, टमाटर प्याज लहसुन कुछ नहीं डालना, सिंपल सी सब्ज़ी होती है। बस उसको इस तरीके से आप इसमें डालिए, और बस जितनी आपको सब्ज़ी डालनी है आप उस तरीके से अपनी सब्ज़ी डालिए बस। और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा मिर्च, क्योंकि एक्स्ट्रा चटका देने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मिर्च और स्पाइसी बनाने के लिए डाल रहे हैं। और बस अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, और बस हरी चटनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप जितनी खाना चाहें, तो वरना ही सब्ज़ी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बस ये देखिए, हमारी दूसरी चाट भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, अब हम इसको भी मैंने हरे धनिया से डेकोरेट किया है, तो देखिए हमारी दूसरी चाट भी तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में जो भी सब्ज़ी बनी हो आप उसे भी डालकर खाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए, अब फटाफट से हम बनाते हैं अपनी तीसरी वाली चाट। और उसके लिए देखिए, मैंने लिए यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू, जिनका मैंने पिट्ठी बना ली है, जैसे कि आप और चीज़ों के लिए बनाते हैं। उसी तरीके से बस मैंने ये भरता बनाया हुआ है, और इसको मैं अपने पापड़ पर कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से। और इसी तरीके से मैंने दूसरे पापड़ पर भी अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी इनको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरे पे भी अच्छे से लगा लिया है, और बस हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और बस ऑयल डालने के, और ऑयल को चारों तरफ से अच्छे से फैलाकर, ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद बस हम अपने पापड़ को इस तरीके से उल्टा करके रख देंगे। जो हमारे आलू की साइड है उसको हम नीचे रखेंगे, जिससे कि आलू अच्छे से क्रिस्पी करारे हो जाएं। और आप हर एक एक मिनट के बाद इनको पलट सकते हैं, और बस पलट के आप चेक करते रहिए कि करारे हुए हैं नहीं। अभी हमारा हल्का सा ही भरता वैसा हुआ है, और दोबारा हम फिर से पलट कर इसको अगेन दो तीन मिनट के लिए और पकाएंगे, और बस उसके बाद ये हमारे करारे हो जाएंगे। और देखिए, हमने इस तरीके से हमारा क्रिस्पी हो चुका है, और अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लूँगी, और बस और दूसरी तरफ फिर एक मिनट करने के बाद, एक मिनट भी हो जाएगा क्योंकि उधर हमारा सिंपल सा है। तो देखिए, वहाँ पर करारे हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पर इनको प्लेटिंग के लिए रख दिया है। तो बस इस तरीके से आप अपने उठाकर तवे से अपनी प्लेट पर रखिए, और बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे भी चाय के साथ, इसमें बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके से। और बस इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी रख दी है, और बस ये देखिए हमारी एक चाट ये भी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो मीठी चटनी डाल सकते हैं, चॉइस इज़ योर।
तो बस अब मैं बनाती हूँ अपनी चौथी चाट, जो कि बहुत ही यम्मी टेस्टी बनती है। ये सालसा वाली चाट है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर अपने अगेन पापड़ के टुकड़े कर करके डाल लिए हैं। जितने पापड़ आपको खाने हैं आप उतने पापड़ यूज़ कर सकते हैं। और अब बस अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टमाटर। आप जो भी रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटर और प्याज का ही यूज़ किया है। और बस इसके ऊपर छिड़कूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च। इन सबको हम अच्छे से अपनी चाट पर डाल देंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी केचप। और देखिए केचप डालने के बाद हमारा ये कितना अच्छा टेस्टी बनकर तैयार हो गई है चाट। और बस इस तरीके से थोड़ी सी हरी चटनी भी डालेंगे, क्योंकि हरी चटनी के बिना तो कोई भी चाट कंप्लीट होती ही नहीं है। तो थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे और यहाँ पर डालिए मिक्सचर नमकीन, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। आपको शेप भी मिलेंगे, पपड़ी भी मिलेगी, चिप्स भी मिलेंगी, मूँगफली भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मैंने मिक्स नमकीन का यूज़ किया है। आपके घर में जो हो आप वो डालिए। और देखिए हमारा एक यम्मी सी चाट बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।